लक्ष्मणगढ़ में स्वर्गीय भंवर सिंह की पांचवी तिथि पर 20 जून को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर बीएल गौपुत्र सेना की बैठक एमके मेमोरियल स्कूल में आयोजित हुई है। बैठक में शिविर के संयोजक अनुज बादुसर की ओर से रक्तदान को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा रक्तदान किया जा सके और एमके मेमोरियल स्कूल में आयोजित होने वाले इस शिविर को सफल बनाने के लिए बीएल गौपुत्र सेना के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर काफी संख्या में युवा भी मौजूद रहे हैं। जब परेशानी आती है तो लोग भगवान की शरण में पहुंचते हैं और कष्टों के निवारण के लिए भगवान के दरबार पर अर्जी भी लगाते हैं। ये बात धौलपुर विधायक शोभरानी कुशवाहा पर शायद बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद कई दिनों चर्चाओं में चल रही विधायक शोभरानी को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद अब विधायक शोभरानी कुशवाहा कष्टों को दूर करने के लिए भगवान की शरण में पहुंच गई हैं। सरानी खेड़ा क्षेत्र के बसई सामंता में स्थित हरिदास बाबा आश्रम पर चल रही 9 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा में बुधवार को विधायक शोभरानी कुशवाहा ने पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर तक लगभग 100 मन आटे के पुआ बन चुके थे और इधर श्रीमद भागवत कथा में विधायक शोभरानी के पहुंचने की सूचना मिलने के बाद कई पत्रकार उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन मीडिया के आने की भनक लगते ही विधायक वहां से निकल गए। खबर धौलपुर से है, जहां पर जिले की कोतवाली थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डकैत केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य रामपाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश केशव गुर्जर गैंग को हथियार सप्लाई करने जा रहा था कि वहीं मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा से टीम गठित कर डीएसटी टीम को कार्रवाई करने के लिए मौके पर भेजा गया है और बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 3 कट्टे, 315 बोर के 2 कारतूस, 315 बोर के जिंदा और 1 कार को भी बरामद किया है। एसपी साहब श्री नारायण टोगर साहब के निर्देशन में वांछित अपराधियों व शातिर बदमाशों की धरपकड़ के अभियान के तहत कल रात्रि में डीएसटी पुलिस तथा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रामपाल गुर्जर पुत्र इंदर सिंह गुर्जर देव कपड़ा मोरली को 3 कट्टा तथा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो दस्यु फरार हैं उनको ये अवैध हथियार सप्लाई करने की संभावना बताई जा रही थी और इसकी सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान इस संबंध में अनुसंधान जारी है।